हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा स्कैलप बॉर्डर का डिजाइन लेके आई हूँ। तो इस डिजाइन को आप लेडीज और गर्ल्स के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, जैसे लेडीज कार्डिगन, लेडीज जैकेट, लेडीज स्वेटर, गर्ल्स फ्रॉक, गर्ल्स टॉप, किसी में भी आप डालिए, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा। और आप इसको बॉर्डर के लिए भी यूज कर सकते हैं और आप इसको पूरे प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आएगा। राइट साइड से बनना शुरू होगा और चार सिलाइयों में बन के कम्प्लीट होगा। तो इस डिजाइन को बुनने के लिए हमने यहाँ पर 13 के मल्टीपल फंदे लेके और 2 फंदे प्लस चाहिए, तो हमारा डिजाइन अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। जैसे 13 गिनिएगा, फिर से 13, फिर से 13, फिर से 13, एक डिजाइन हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 13 फंदों में बन के आता है। और मैंने यहाँ पे ये 8 डिजाइन डाले हैं, तो मेरा ये इतना बन के आया है। अगर आप इस डिजाइन को बुनना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, और वीडियो डिजाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो देखिए, अगर आप इसको इस 3 प्लाई वाली वूल में बुनना चाहते हैं, जैसे ये 3 तार वाली वूल होती है ऐसे, तो इसमें आप स्टार्टिंग से ही 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा, तो डिजाइन बहुत ही प्यारा सा बन के आएगा। और आप इसको बुनना चाहते हैं, ये नॉर्मल वूल है हमारी, जैसे वर्धमान वाले, ओसवाल, रैबिट, गंगा, जो ये सिंपल वूल होती है नॉर्मल, इसमें आप बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग से ही 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा, तो डिजाइन बहुत ही प्यारा सा बन के आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर डाले हैं मैंने 28 फंदे, 13 के मल्टीपल 26, 13, फिर से 13, लास्ट में 2 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए एच स्टिच के लिए, तो डिजाइन बहुत ही अच्छे से बन के आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट फंदा है, इसको उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, अब धागे को आगे करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, जाली डालेंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 3 का 1 करेंगे, यहाँ पर 3 फंदे लेंगे और 3 का 1 उल्टा फंदा बनाएंगे, तो ये 3 फंदे लेंगे यहाँ पर और 3 का 1 उल्टा फंदा बुन लेंगे, फिर से 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, अब जो ये फंदा है इसको सीधा बनाएंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, तो धागे को अपनी तरफ रखेंगे, ऐसे सीधा फंदा बना लेंगे। तो अब देखिए, एच स्टिच फंदे को छोड़ के और यहाँ स्टार्टिंग से सीधा, फिर जाली, यहाँ से लेके और यहाँ तक 13 फंदों का डिजाइन है, 13 फंदे हमारे कंप्लीट हुए। अब फिर से एच स्टिच को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक फिर से रिपीट करेंगे, तो धागे को पीछे रखेंगे, एक फंदा सीधा, अब जाली डालेंगे तो धागा आगे करेंगे, ऐसे घुमाएंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, फिर से 3 का 1 करेंगे, ऐसे 3 का 1 फंदा बनाएंगे, फिर 4 फंदे फिर से उल्टे, 1, 2, 3 और 4, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा सीधा जाल डालते हुए, तो 2 रिपीट कंप्लीट हुए। देखिए, जो 3 का 1 फंदा यहाँ पर हुआ तो 1 जाली यहाँ डल गई और 1 जाली यहाँ डल गई, फिर 3 का 1 किया तो 1 जाली यहाँ पे सीधे फंदे के साथ डल गई, 1 लास्ट में डल गई। जब आप लास्ट में आएंगे तो आपके पास 1 फंदा उल्टा बचेगा, तो इस फंदे को उल्टा बना लेंगे। अब आ जाइए इसके रोंग साइड में, तो यहाँ से पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे,
इस डिजाइन में बैक साइड से सभी सिलाइयां हमारी उल्टी उल्टी बन के कम्प्लीट होंगी। अब आ जाइए इसके राइट साइड में थर्ड रो में। तो आप देखिए यहाँ से फर्स्ट फंदा उल्टा बनाएंगे, ऐसे धागे को पीछे करेंगे और फिर से फंदा सीधा बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डलेगी और अब चार फंदे सीधे बनाएंगे। फर्स्ट रो में हमने चार फंदे उल्टे बनाए थे और थर्ड रो में अब यहाँ पर चार फंदे हम सीधे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से तीन फंदे लेंगे और तीन का एक उल्टा फंदा बनाएंगे ऐसे यहाँ पे। धागा पीछे करेंगे, फिर से चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा। तो थर्ड रो में एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं 11 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। तो एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, जाली डालेंगे, जो यहाँ पर तीन का एक होगा तो एक जाली यहाँ पर डल जाएगी और एक लास्ट में डल जाएगी, एक दो तीन चार, धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन का एक फंदा उल्टा बनाएंगे ऐसे। धागा पीछे करेंगे, फिर से चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डाल लेंगे और फंदा सीधा बनाएंगे। दो रिपीट कंप्लीट हुए, धागा अपनी तरफ, फिर से लास्ट का फंदा उल्टा। अब आ जाइए इसकी फोर्थ रो में। तो फोर्थ रो को पूरी को यहाँ से उल्टा उल्टा बनाएंगे और उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है और बहुत ही सुंदर हमारा ये स्कैलप बॉर्डर बन के आएगा। चार चार सिलाइयों को रिपीट करते हुए जाएंगे और डिजाइन हमारा आगे बढ़ता जाएगा। बहुत ही आसान डिजाइन है, इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे और आप इसको गर्ल्स और लेडीज के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। लेडीज और गर्ल्स के ऑल प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही प्यारा डिजाइन हमारा ये बन के आया है। तो ये फोर्थ रो हमारी उल्टी उल्टी बन के कंप्लीट हो जाएगी। तो ये फोर्थ रो हमारी कंप्लीट हुई और देखिए डिजाइन भी हमारा इस तरह से बन के आ गया है। बहुत ही प्यारा डिजाइन और बहुत ही आसान तरीके से बनाया गया है। और जब आप इन चार चार सिलाइयों को रिपीट करेंगे तो फिर आपका भी ऐसे ही डिजाइन बन के आ जाएगा। अब फिर से जो फर्स्ट रो थी उसी को फिर से रिपीट करेंगे। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर फिर से बना के फर्स्ट रो दिखा देती हूँ। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ ऐसे घुमाएंगे, जाली डालेंगे और चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, फिर से तीन का एक करेंगे, तीन फंदे लेंगे और तीन का एक बनाएंगे उल्टा फंदा। अब फिर यहाँ पर चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, धागा अपनी तरफ रखेंगे, ये फंदा सीधा, जाली डालते हुए। तो एक रिपीट कंप्लीट हुआ। अब फिर से एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं फंदों को फिर रिपीट करेंगे। तो धागा पीछे, फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ ऐसे घुमाएंगे और चार फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार, फिर से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, आगे से सिलाई डालेंगे ऐसे और तीन का एक उल्टा फंदा बना लेंगे, फिर से चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार। अब फिर धागा अपनी तरफ रखेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। तो दो रिपीट कंप्लीट हुए। आपके प्रोजेक्ट में ज़्यादा फंदे, फिर आप ऐसे ही बनाते जाइएगा, फिर से इस रिपीट को कंप्लीट कीजिएगा, फिर लास्ट का फंदा उल्टा। तो ये फर्स्ट रो दोबारा से मैंने डाल के दिखा दी है।
फिर सेकंड रो पूरी उल्टी, थर्ड रो में फिर ये चार फंदे सीधे तीन का एक ऐसे ही बनाते जाएंगे। जब आप चार चार सिलाइयों को रिपीट करेंगे तो आपका इस तरह से बहुत ही प्यारा सा ये स्कैलप बॉर्डर डिजाइन हमारा बन के आ जाएगा। किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बहुत ही सुंदर डिजाइन है और बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। थैंक यू।